हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वसीम क्रिएशन पर। दोस्तों आज आप देख रहे हो कि हमारे पास एक मारुति 800 आई है जो कि राजस्थान से आई थी। इस गाड़ी को हमने पूरा खोल दिया है और इस गाड़ी को हम बनाने वाले हैं विंटेज के लुक में। जैसे आप एक देख रहे हो कि हमने मारुति ओमनी को बना रखी है, तो इस पर भी विंटेज लुक बनने वाला है। सबसे पहले यह गाड़ी तैयार होगी, फिर मारुति ओमनी तैयार होगी। तो देख सकते हो आप, गाड़ी को पूरा खोल दिया है, पूरा विंटेज का लुक बनाएंगे। इसमें 4 डोर रखेंगे हम, ये शादी पार्टी के हिसाब से बना रहे हैं इवेंट के काम में लेने के लिए। और इस गाड़ी में हम डोर 4 बनाने वाले हैं और सीट फ्रंट की यही रहने वाली है। इसमें बढ़िया सा कुशन होगा। रियर सीट हम सोफे के पैटर्न में बनाएंगे और इसकी रूफ नहीं रहेगी। गाड़ी की लंबाई बढ़ाएंगे। लंबाई अभी इतनी ही है इसकी, लेकिन इसका जो बोनेट वगैरह ये सब हटाने वाले हम, इसका बॉडी लाइन पूरा काट कर हटा देंगे हम और इसके ऊपर फिर से बॉडी का काम करेंगे। इसमें चेचिस नहीं आता, इसमें सिर्फ फर्श को हम काम में लेने वाले हैं और इसके जो फ्रंट इंजन फिटिंग है वहाँ से बॉडी को भी हम कहाँ से कट करने वाले हैं, कट करने के बाद में हम बताएंगे आपको कि कहाँ से हमने कट किया बॉडी को। यहाँ से कटिंग होगी इसकी, पूरे इतना पीस उसके ऊपर का हटा देंगे हम। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले इसकी हम बॉडी काट लेते हैं, उसके बाद की प्रोसेस पर देखते हैं। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि हमने गाड़ी की सीट वगैरह खोल दी है और इसका बोनेट भी खोलने वाले हैं। इसका फ्रंट बोनेट भी निकालेंगे और हम बॉडी को काटना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बॉडी को कहाँ कट करने वाले, तो देख सकते हो आप, एक तो हमने यहाँ पे जहाँ पर बोनेट फिट होता है यहाँ से कट किया है बॉडी को, और इसका हमने ये पिलर भी निकाल लिया है। साइड में आप देख सकते हो इसका रनिंग बोर्ड भी, इसका हमने पूरा काट दिया है। यहाँ से रनिंग बोर्ड के ऊपर का पूरा पीस निकाला है, जिसमें साथ में पूरा खंबा है, बी पिलर और फिर इसके क्वार्टर पैनल भी हमने साथ में ले लिया। आप देख सकते हो कि यहाँ से कट किया हुआ है यहाँ से, और अंदर से भी मैं आपको बता देता हूँ। अंदर से आप देख सकते हो यहाँ से कट किया हुआ है। रियर में भी देख सकते हो कि यहाँ से हमने बॉडी को पूरा काट दिया है। इसी के से दूसरी साइड भी दोस्तों सेम कटी हुई। अब हम इस गाड़ी की बॉडी को उतारने वाले हैं। अंदर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए पिलर हमने जो निकाला है वो पूरा अंदर से ही पूरा ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हो ये हमारा कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। अब इसके ऊपर बनने वाला है नया चीज। तो चलिए पहले बॉडी को हटा देते हैं, उसके बाद में काम शुरू करते हैं। चलो उठाओ बॉडी, कहाँ सड़ जाएगी। देख सकते हो आप कि दो जन ने बॉडी को आराम से उठा लिया है और ले जा रहे हैं बॉडी को। देख सकते हो दोस्तों कि इसका जो मड़घाट वगैरह है वहाँ से हमने गाड़ी काटी थी, रनिंग बोर्ड के यहाँ से काटी थी गाड़ी को, तो कुछ इस टाइप से इसका लुक बन गया है। अब इस पर हम पूरा विंटेज का लुक बनाने वाले हैं, जिसमें 2 सीट पीछे सोफ़ा सीट रहेगी और आगे 2 सीटें जो कंपनी की थी वही रहेगी। तो गाड़ी में सिर्फ इतना ही भाग हम काम में लेंगे, बाकी कोई काम का नहीं, वो सिर्फ स्क्रैप है। चलिए अब इसका काम शुरू करते हैं। बोनेट भी कोई काम का नहीं इसके, अभी इसके इसे भी हम काटने वाले हैं। इसे भी हमने नहीं काटा है क्योंकि पहले बॉडी को मजबूत करेंगे, क्योंकि अब इसकी पकड़ कुछ भी नहीं रही। आप देख सकते हो कि हमने एक नीचे जेक लगा रखा है, जेक का डंडा आपको दिख रहा है, सिर्फ नीचे सपोर्ट लगा रखे हैं। अगर अभी सपोर्ट हटा दे तो गाड़ी बीच में से टूट जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ चद्दर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पहले थोड़ा सा वेल्ड का काम कर ले, उसके बाद देख सकते हो बॉडी कुछ इस टाइप से इसकी हमने उतारी है। कहाँ से कट की थी आपको पूरा सिस्टम दिख जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि विंटेज का काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हमने बॉडी स्ट्रक्चर इतना कंप्लीट कर लिया है, इसका फ्रंट बोनेट भी तैयार हो चुका है। बोनेट की फ्रेम कुछ इस टाइप से इसकी बनी हुई है। ये हमने इसकी फ्रंट ग्लास की फ्रेम बनाई है, अभी सिर्फ टिया बनाया है नीचे का, इसके ऊपर भी फ्रेम बनाना बाकी है। दो शेप में
ग्लास आएगी एक इधर साइड और एक उस साइड, बीच में से थोड़ा तीर के फेस से दिखेगा। और आगे अभी ग्रिल हमने जो चौरस दिख रही है तो इसे हम गोल करने वाले हैं, राउंड में बनाने वाले हैं। और इसके ये मटघाट के लिए तो ये थोड़े सस्पेंशन साकअप के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें बॉडी को बढ़ाना पड़ेगा, बाकी यहाँ मटघाट बनाना बाकी है। और ये कुछ इस टाइप से इसका डोर का डिजाइन फ्रंट वाले का है, और ये रियर वाले का डोर का डिजाइन देख सकते हो, कुछ इस टाइप से रियर डोर बनाया हमने। फोर डोर बनाएंगे गाड़ी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और पीछे क्लेडिंग वगैरह भी की भी फ्रेम हमने तैयार कर दी है। अब इसके ऊपर चादर लगाना बाकी है, मेटल की शीट जो हम लगा रहे हैं पूरी गाड़ी में। ये स्टेपनी के लिए जगह बनाई है पूरी, और इसमें डिक्की नहीं रहेगी, डिक्की इसमें सिर्फ अंदर से ही रहेगी। और इसे हम पूरा पैक करने वाले हैं, यहाँ से भी हम पैक करेंगे और ऊपर से भी पैक करेंगे। यहाँ कुछ नया डिजाइन देंगे, बाकी इस साइड लाइटिंग वगैरह आ जाएगी जो हम टेल लाइट ब्रेक लाइट लगाएंगे। दोनों साइड के डोर पीछे पीछे के कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ फ्रंट डोर ही बनाना बाकी है। फ्रंट डोर में कुछ इस टाइप से डिजाइन बनेगा इसका। यहाँ पर हम चादर लगाकर पैक करेंगे, यहाँ पर पैक करेंगे, तो लुक यहाँ तक के आ चुका है गाड़ी का। अंदर जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे जो स्पेस है इसका, अभी यहाँ पर हम पूरा पैक करने वाले हैं। यहाँ पैक हम इसलिए करेंगे क्योंकि अंदर कभी हम पैर रख कर चढ़े तो अंदर एकदम पैर नीचे नहीं जाए, तो यहाँ पूरा पैक कर देंगे, पूरा प्लान कर देंगे यहाँ पर। और इसका जो टूल बनेगा वो यहाँ पर जो हम सीट बना रहे हैं सोफ़ा सीट, तो वह सीट के नीचे टूल रहेगा। और स्पीकर वगैरह भी कुछ इसके नीचे ही फिट रहेंगे। और डैशबोर्ड का डिजाइन अभी यहाँ पर बनेगा, देखते हैं किस टाइप से डैशबोर्ड डिजाइन होता है इस बार। अभी फ्रेम ये ओपन रही, इसका इसमें हमने बोनट काफ़ी बड़ा लिया है, यह कस्टमर चॉइस थी। इसके हाइट रखना है गाड़ी की, ऊपर बोनट की भी हाइट रखना है, पीछे से भी हाइट रखना है, और गाड़ी की लंबाई बढ़ाना है। तो फ्रंट से भी हमने करीब अभी एक फीट लंबाई बढ़ा दी है इसकी, और अभी बढ़ेगी कुछ। और पीछे से आप देख सकते हो करीब 32 इंच लंबाई बढ़ा रखी है हमने। इसकी जो ओरिजिनल लंबाई है वो यहाँ तक की थी, तो यहाँ से इतनी हमने लंबाई बढ़ा दी इसकी, यह कस्टमर चॉइस थी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कुछ स्टेप से ऐसा काम चल रहा है, थोड़ा सा और हम काम कंप्लीट कर लें उसके बाद की प्रोसेस पर मिलते हैं। ये और ये आप देख सकते हो कि कुछ ये फर्मे वगैरह कट रहे हैं चादर के, वो यहाँ की चादर कटने वाली है राउंड शेप में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख सकते हो पीछे का हमने कुछ लुक पूरा कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ यहाँ का पीस बाकी है क्योंकि यहाँ हम डिजाइन बनाने वाले हैं। और यहाँ पर छोटी सी एक डिजाइन आने वाली है, इसका काम बाकी है। बाकी क्लेडिंग आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से इसमें बनने वाली है, यहाँ से क्लेडिंग स्टार्ट होगी और यहाँ आकर ख़त्म होगी। यहाँ का लुक थोड़ा डिजाइन चेंज करेंगे। बाकी डोर आप देख सकते हो कि डोर हमने चारों लगा दिए हैं, दो फ्रंट के भी हो चुके हैं और दो रियर के लेफ्ट राइट में। ये भी सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया हमने क्योंकि इस बॉडी को मजबूत करना पड़ेगी हमें। डोर एक ही डोर, दो ऊंधे खुलेंगे डोर और दो सीधे खुलेंगे, तो अभी हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए लगा रखा, इसे हम हटाएंगे और नीचे की साइड लगाएंगे। बाकी कांच की फ्रेम कट किया बना दिया हमने, बोनट के ऊपर भी चादर वेल्ड कर दी है। फ्रंट में भी लगभग जो काम आपको पहले बताया था पिछली प्रोसेस में आपने देखा था, उससे कुछ काम बढ़ चुका है। तो इसका लुक यहाँ तक क्या आ चुका है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो कि विंटेज का काम चल रहा है, इसके डोर वगैरह भी हमने खोल रखे हैं क्योंकि उन पर भी पुट्टी वगैरह काम चल रहा है, थोड़ी फिनिशिंग वगैरह दे रहे हैं उन्हें हम। तो डोर दोनों इसके फ्रंट वाला ऊंधा खुलेगा और रियर वाला सीधा खुलेगा, मतलब आमने सामने खुलेगा दोनों डोर। और फ्रंट मड़घाट को भी हमने डिजाइन कर दिया है, पुट्टी वगैरह काम चल रहा है साथ में, और बोनेट वगैरह डिजाइन हो चुका है फाइनली। तो बोनेट कुछ
स्टेप से इसका फ्रंट लुक बनाया है। फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हो, इस बार हमने नए लुक बनाई है। यहाँ से राउंड शेप वगैरह दिया है, साइड से आप देख सकते हो यहाँ से राउंड शेप दिया और फ्रंट से आर्च बनाया हमने। स्टेप से इसका फ्रंट लुक बना है, बाकी साइड वगैरह का काम हो चुका है, दोनों साइडें कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हो कि ये सस्पेंशन के लिए बनाया है, यहाँ पर शॉकअप फिट किया हुआ है, जो इसका सस्पेंशन चलता है वो फिट हुआ है, इसी कारण यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें बॉक्स एक बनाना पड़ा ताकि शॉकअप वगैरह का लुक थोड़ा दिखे नहीं और नया डिजाइन दिखे, तो इस टाइप से कुछ बनाया। और यहाँ पर इसका जो फ्रंट में जो इसका क्रॉस मेंबर जो कसाता है, रैप्टर जो लगता है, इंजन का जो क्रॉस मेंबर कसाता है, जो बैलेंसर आड़ वगैरह लगती है, ये जो लगता है क्रॉस मेंबर, उसके लिए हमने बॉक्स बनाया है। यहाँ पर चेचिस बना हुआ है, इसीलिए हमने इसे पूरा पैक कर दिया है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आराम से क्रॉस मेंबर नीचे से निकाल कर उसे चेंज भी कर सकते हैं, अगर टूट फूट होती रहती है इनमें, अगर गाड़ी में सड़ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो। और ग्रिल का कुछ इस टाइप से लुक दिया है, इसका बोनेट वगैरह भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे बोनेट आपको खोल कर बता देता हूँ मैं। इंजन इसका कंप्लीट है, पूरा फिट किया हुआ है जगह पर, अभी इसमें हम सिर्फ एक बैटरी ठिया बनाएंगे क्योंकि गाड़ी प्योर पेट्रोल पर है। रेडिएटर वगैरह फिट कर दिया हमने यहाँ पर, रेडिएटर की फिटिंग यहाँ पर बनी है और बढ़िया सी एग्जॉस्ट भी लगेगी क्योंकि आगे हमने पूरी जाली लगा रखी है। अभी एक बैटरी ठिया बनाना है और वायरिंग वगैरह करना है बस, बाकी गाड़ी के यहाँ पर बोनेट वगैरह कंप्लीट है। बोनेट की एक रोक बनाना है जहाँ पर बोनेट रुक सके। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इस टाइप से कुछ काम चल रहा है, पीछे हमने डिजाइन बनाई है, आप देख सकते हो डिजाइन मैंने आपको नहीं बताई थी, इस टाइप से कुछ हमने डिजाइन बनाई है। दोनों साइड रियर मड़घाट वगैरह कम्प्लीट हो चुकी है, पुट्टी वगैरह का वर्क पूरा कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ पीछे बेस होगा, सरफेसर वगैरह बनेगा जब तक आगे का काम कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो ये विंटेज में सर्फेसर का काम कंप्लीट हो गया है, पुट्टी वगैरह भी हमने कंप्लीट कर ली है और लुक भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें करने वाले हैं वाइट कलर का बेस कोट और इंटीरियर वगैरह में भी हम इसमें सभी में कलर कर देंगे ताकि जंग वगैरह ना लगे जो हमने लुक बनाया है। इंजन के यहाँ पर भी हम थोड़ा कलर वगैरह कर देंगे, अभी रेड प्राइमर किया हुआ था ताकि थोड़ा अच्छा लगे अंदर से भी। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमने गाड़ी का काम पूरा, वेल्डिंग का काम पूरा कंप्लीट कर लिया है, लुक भी पूरा बना दिया है और गाड़ी के ऊपर सरफेसर भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला था और गाड़ी में हम एक चीज़ और बना रहे हैं जो काफ़ी यूनिक चीज़ है और एकदम नई है, जो कि आज तक आपने कभी पहले देखी नहीं होगी। यह काम चल रहा है उस पर, तो अब इसका हम YouTube पर पार्ट टू अपलोड करने वाले हैं। अगर आप इस यूनिक चीज़ को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।